नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महिला एशिया कप की शुरुआत साल 2004 में हुई। तब से 8 बार महिला एशिया कप का टूर्नामेंट खेला गया है, जिसमें 7 बार भारतीय महिला टीम ने एशिया कप का खिताब जीता है और 1 बार बांग्लादेश ने जीता है। महिला एशिया कप T20 और वनडे दोनों फॉर्मेटों में खेला जाता है। इस बार ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में है और ये एशिया कप का 9वां सीजन है। 19 जुलाई 2024 को महिला एशिया कप का पहला मुकाबला भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच श्रीलंका के दांबुला में खेला गया। पाकिस्तान की कैप्टन नीदा डार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, पर भारत के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आए पाकिस्तान के बल्लेबाज। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने 100 रन पार करने के लिए जी जान लगा दिया। पाकिस्तान महिला टीम के किसी भी बल्लेबाज ने अर्धशतक भी नहीं लगा पाया। पाकिस्तान की ओर से आमीन ने 25, तौबा हसन और फातिमा सना इन दोनों बल्लेबाजों ने 22 रनों की पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों में रेणुका सिंह, पूजा वस्त्रकार और श्रेयंका पाटिल ने 2-2 विकेट निकाला। दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट झटके। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते पाकिस्तान पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सका। पाकिस्तान की पूरी टीम 19 ओवर 2 गेंदों पर 108 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच के दूसरे इनिंग्स में भारतीय ओपनर बल्लेबाजों ने पाकिस्तान की कमर तोड़। शेफाली वर्मा ने 29 गेंदों पर 40 रन बनाया। इस दौरान उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं शेफाली वर्मा के साथ ओपनिंग बल्लेबाजी करने आई स्मृति मंदना ने 31 गेंदों पर 45 रन बनाया। इस पारी में स्मृति मंदना ने 9 चौके लगाया। इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मैच पूरी तरह भारत के नाम कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा हरा दिया। भारत ने 108 रनों के टारगेट को 3 विकेट खोकर 14 ओवर 1 गेंदों पर पूरा कर लिया। भारतीय स्पिन गेंदबाज दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड से सम्मानित किया गया।